जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जय माता दी। डिवोशनल पॉइंट एक बार फिर से आप सभी भक्तों के लिए नई उदासी वीडियो लेकर हाजिर है। अगर आप सितंबर महीने में माता रानी की यात्रा पर जाना चाह रहे हैं तो यात्रा से जुड़ी हर एक जानकारी साथ ही कोरोना टेस्ट से जुड़ी सभी जानकारी डिवोशनल पॉइंट वीडियो में बताने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप भक्त जो सामने नजारा देख रहे हैं, कटरा रेलवे स्टेशन का सितंबर महीने का ताजा नजारा है। आप भक्तों को यहाँ पर मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि कैसे कोरोना टेस्ट जो भक्त करा कर आ रहे हैं या फिर दो वैक्सीन लगवा कर आ रहे हैं उन्हें कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। सिंगल डोज वाले और बिना टेस्ट वाले ऊपर चल लो, इस बुल के पीछे चल लो, टेस्ट वाले ना लो, इनके पास टेस्ट है, चल लो। तो जैसे कि आपने अधिकारी के मुंह से ही सुना, उन्होंने खुद बताया कि जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली हैं या फिर कोरोना टेस्ट आरटीपीसीआर का कराया है उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, उन्हें बिना किसी रोक टोक के आगे यात्रा पर जाने दिया जाएगा। पर ऐसे भक्त जो कि सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन की एक डोज ले पाए हैं या फिर कोई भी कोरोना टेस्ट नहीं करा कर आए हैं या फिर मान के चलिए रैपिड टेस्ट करा कर आए हैं, तो वो कतई भी मान्य नहीं माना जाएगा। उन्हें जम्मू कश्मीर आने के बाद में कोरोना टेस्ट कराना होगा। अगर आप रेलवे स्टेशन पे आके कोरोना टेस्ट कराना चाहते हैं तो आपको निशुल्क कोरोना टेस्ट की सुविधा मिल जाती है, जिसमें आपका लगभग एक से डेढ़ घंटे का समय लग जाता है और रिपोर्ट आने के बाद ही आपको आगे जाने दिया जाता है। आप भक्तों से अनुरोध रहेगा कि आप अपने घरों से निकलकर माता रानी की यात्रा पर अगर आ रहे हैं तो या तो वैक्सीन की दोनों डोज लगवा लें या फिर आप कोरोना टेस्ट अपने राज्य से करा कराएं, जिससे कि आप किसी भी दिक्कत से बच सकें। आप भक्त जो सामने नजारा देख रहे हैं माता रानी के भवन का नजारा है। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, फिलहाल श्रीमती वैष्णो देवी यात्रा पर प्रतिदिन 24,000 से 25,000 भक्त यात्रा पर जा रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। कुछ इसी तरीके से भवन परिसर में नजारा बना हुआ है। माता रानी की यात्रा पर भारी बादल देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से भक्तों को काफी सुहाना मौसम देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल यात्रा पर रुक रुक कर बारिश भी हो रही है और बादलों की वजह से यात्रियों को काफी अच्छा अनुभव भी हो रहा है। अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं अपने साथ ठंड के कपड़े कतई भी ले जाना ना भूलें। वहीं आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, अगर आप श्रीमती वैष्णो देवी यात्रा पर जा रहे हैं तो फिलहाल आपको सभी सुविधाओं का लाभ मिल जाएगा। रोपवे, बैटरी कार, खच्चर, पिट्ठू पालकी की सुविधाएं सभी मिल जाएंगी। हालांकि अगर बात करी जाए हेलीकॉप्टर की सुविधाओं की, तो वो पूरी तरीके से निर्भर करता है कि कैसा मौसम है। अगर मौसम बहुत ज्यादा खराब होता है, बादल बहुत ज्यादा होते हैं, आंधी तूफान बारिश होती है, तो उस समय हेलीकॉप्टर सेवाओं को रद्द करना पड़ता है। तो अगर आप ऐसे समय पर यात्रा पर जा रहे हैं जिस समय आंधी तूफान है, तो आपको कतई भी हेलीकॉप्टर सेवाएं नहीं मिल पाएंगी वैष्णो देवी यात्रा पर जाने के लिए, जो कि सांझी छत से कटरा के बीच में उड़ान भरती है। हालांकि अगर मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर सेवाएं उड़ान नहीं भरती है तो भक्तों को श्राइन बोर्ड की तरफ से पूरा रिफंड भी मिल जाता है, तो इसमें भक्तों के लिए कोई भी चिंता का विषय नहीं है। वहीं आप भक्तों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि जिन बच्चों की उम्र 10 साल या फिर उससे कम है तो उन्हें कोई भी कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। ये बात मैंने खुद अधिकारी से स्पष्ट रूप से पूछी है, तभी मैं आप भक्तों को बता पा रहा हूँ। तो अगर आपके बच्चों की उम्र 10 साल या फिर उससे कम है तो आपके लिए कोई भी चिंता का विषय नहीं है। आप आराम से बच्चे का बिना कोरोना टेस्ट कराए उन्हें यात्रा पर ले जा सकते हैं। पर जिन बच्चों की उम्र 10 साल से ज्यादा है उन्हें कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत होने वाली है, तो ऐसे में आप भक्तों को ध्यान रखना होगा। अगर आप वैष्णो देवी यात्रा पर अपने बच्चों के साथ जाना चाहते हैं तो आपको उनका भी टेस्ट कराना पड़ सकता है, साथ ही आपको अपना टेस्ट तो कराना ही है। मैं आशा करता हूँ भक्तों को वीडियो पसंद आई होगी। भक्तों को अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग दिखाना बिल्कुल भी ना भूले, साथ ही इस वीडियो को भक्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले, जिससे कि यात्रा पर जाने वाले सभी भक्त ताजे नजारे की वीडियो के साथ साथ ताजा जानकारी भी जान सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।